चलिए, इस बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ मंडावी को फटकार मिली है। कांकेर सांसद मोहन मंडावी को बीजेपी संगठन की ओर से फटकार मिली है। मंडावी ने मंच से सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की थी। कल दंतेवाड़ा दौरे के दौरान नेताओं ने हिदायत दी। तो बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से बता रहे हैं आपको, मंडावी को फटकार मिली है। सांसद कांकेर सांसद मोहन मंडावी को बीजेपी संगठन ने फटकार लगाई है। मंडावी ने मंच से सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की थी। कल दंतेवाड़ा दौरे के दौरान नेताओं ने उन्हें हिदायत दी थी। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सांसद को फटकार मिली है, तो क्या ये माना जाए कि भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली से अब जो दूसरे नेता है वो प्रभावित हो रहे हैं? राजेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो जानना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से फटकार मिली है कांकेर सांसद को, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष के नेता प्रभावित हो रहे हैं भूपेश बघेल की कार्यशैली से? देखिए, ये जिस तरह से कल इसको फटकार लगी है, कांग्रेस के सांसद जो है मोहन मंडावी, उनको बीजेपी संगठन की ओर से फटकार लगी है। पिछले दिनों उन्होंने एक मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए उन्हें कृष्ण और जननायक की संज्ञा कह दिया था। तो उसके बाद से कल जब नामांकन भरने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचे, उस तेजस्वी मंडावी के लिए नामांकन भरने पहुंचे, तब इस बात की चर्चा और इस बात को लेकर फिर संगठन के जितने बड़े पदाधिकारी, उन्होंने मोहन मंडावी को फटकार लगाते हुए समझाइश दी कि आइंदा इस तरह की बातें ना करें, अपने विरोधी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तारीफ ना करें, इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता है। इस तरह की बात सामने आ, निश्चित रूप से एक मोहन मंडावी एक सांसद हैं और वो एक कथावाचक भी हैं, और भाववेश उन्होंने मंच में इस तरह की बात कह दी थी, जिसका कांग्रेसी चुनाव के समय उपचुनाव के दौरान काफी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए पार्टी ने थोड़ा सा इस मामले में नाराजगी जाहिर की और मोहन मंडावी को फटकार दिया है और आइंदा इस तरह की गलती नहीं करने की समझाइश भी दी है। जी, चलिए राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की तारीफ करके खुद कांकेर सांसद ने मुसीबत मोल लिया और अब संगठन ने उन्हें फटकारा है कि आखिर इस तरह के बयानबाजी उन्होंने क्यों की, और कभी भी ऐसी गलती ना करें।